सो हे व्हाट इज अप गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न गेमर ऑफिशियल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों, जो आपका फ़ोन है वो अगर लैग होता है तो दोस्तों, हम उस लैग को कैसे सही कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, इस वक्त दोस्तों मेरा फ़ोन भी इस वक्त लैग हो रहा था दोस्तों बहुत। दोस्तों अब मैं बताऊँगा दोस्तों कैसे आप उस लैगिंग को दोस्तों कम कर सकते हो। और दोस्तों इसे गेम खेलते हुए नहीं दोस्तों, पबजी कोई सा भी गेम हो या फिर दोस्तों आप वैसे भी अगर सिंपली रन करते हो अपने फ़ोन को तो भी दोस्तों वो लैग होता है। तो दोस्तों उसको भी आप दोस्तों ऐसे ही कम कर सकते हो। दोस्तों लैग को देखो दोस्तों, अभी कितना लैग ही हो रहा है दोस्तों, मतलब दोस्तों खेला भी नहीं जा सकता है इतनी लैगिंग में। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये बताऊंगा कैसे दोस्तों आपका लैग होना कम हो जाएगा फ़ोन। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हमारी फर्स्ट टिप होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों 1 से 2 GB रैम वाले फ़ोन्स के लिए, जिसमें दोस्तों लोगों की दोस्तों 1 से 2 GB की रैम होती है फिर भी दोस्तों वो उसमें फ्री फायर रन करना चाहते हैं। तो ये टिप होने वाली है उनके लिए दोस्तों, उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। मैंने कहा दोस्तों 1 से 2 GB रैम वाले जो फ़ोन होते हैं ना, उसमें भी यार लोग ना स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में खेलते हैं यार। तो मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में क्यों खेल रहे हो यार, स्मूथ में खेला करो जब आपके फ़ोन की रैम इतनी नहीं है। तो सर स्मूथ में खेलोगे दोस्तों आपकी जो है थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी दोस्तों पहले से। और दोस्तों ये तो सर टिप 1, चलता है अपने टिप 2 की तरफ। और दोस्तों टिप 2 दोस्तों 1 से लेकर के दोस्तों दोस्तों 6 GB रैम वालों के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टिप 2 की तरफ। गाइस, जो हमारी टिप 2 होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों हमारे फ़ोन की दोस्तों सेटिंग में से। और दोस्तों अभी तब यूज़ करते हो जब दोस्तों आपका फ़ोन नॉर्मली भी लैग करता है। दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको दोस्तों जाना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग में दोस्तों। तो दोस्तों एक बार मैं अपने फ़ोन की सेटिंग में जाता हूँ। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों कनेक्शन नेम से, कनेक्शन पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। दोस्तों कनेक्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होगा दोस्तों सबसे नीचे या कहीं पर भी होगा दोस्तों मोर कनेक्शन सेटिंग्स पे दोस्तों। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा दोस्तों नियर बाय डिवाइस कैरिंग दोस्तों, इस ऑप्शन को दोस्तों आपको ऑफ कर देना है। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, मतलब आपके अगर मोबाइल दोस्तों क्या होता है बीच बीच में दोस्तों ब्लूटूथ अपने आप ही ऑन हो जाता है। और दोस्तों वो ऑन होने की वजह से दोस्तों वो स्कैन करता रहता है नियर बाय जो भी डिवाइस होते हैं तो उससे लैग हो जाता है। तो ये तो हमारी टिप 2, चलते हैं अपने टिप 3 की तरफ। सो गाइस, जो हमारी थर्ड टिप होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों, मतलब गेम में दोस्तों फ़ोन में दोस्तों क्या होता है, जब भी आप दोस्तों गेम खेलते हो दोस्तों ये ट्रिक आप तब भी यूज़ कर सकते हो जब आप दोस्तों लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। सर क्या होता है, जब भी आप दोस्तों गेम खेल रहे हो तो दोस्तों आपके मैसेज आते रहते हैं, कॉल्स आती हैं और फ्रंट पेज पर आते दोस्तों, उसके वजह से दोस्तों बीच में लैग हो मार देता है कभी कभी गेम। तो सर मैं रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब नेम से एक ऑप्शन होता है उसे ऑन रखा करो। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके मैसेज और कॉल्स आएंगे लेकिन दोस्तों वो फ्रंट पेज पर शो नहीं करेगी, साइलेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि वो आपको शो नहीं होंगे, तो सर उसे लैग भी नहीं मारता है फ़ोन। और सर किसी किसी में नहीं होता है डू नॉट मतलब डू नॉट डिस्टर्ब नेम से नहीं होता है दोस्तों ऑप्शन, वो होता है दोस्तों कुछ उससे पैट्रियॉट नेम से कुछ ऑप्शन होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों उसे आप ऑन कर दोगे तो सर आपके मतलब जो भी नोटिफिकेशन दोगे सबके सब दोस्तों ब्लॉक हो जाएंगी। और दोस्तों सर फिर आप उससे आराम से अपना गेम खेल सकते हो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्मूथली। तो सर ये होती है हमारी थर्ड ट्रिक, चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रिप की तरफ। सो गाइस, जो हमारी फोर्थ टिप होने वाली है वो होने वाली है, जब भी दोस्तों अपना गेम रन करते हो अपना, तो दोस्तों क्या होता है जब भी आप गेम रन करते हो तो दोस्तों पहले भी बहुत जो भी टैब्स ओपन होती है वो दोस्तों आप ऐसे छोड़ देते हो दोस्तों खुली हुई। तो क्या होता है जब वो पहले की रैम में रहती है दोस्तों रन होती रहती है दोस्तों चलती रहती है, तो उससे आपकी रैम दोस्तों बहुत स्लो हो जाती है। इसे दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों आप जब भी गेम खेला करो तो दोस्तों उसे बिल्कुल क्लियर करके खेला करो। तो क्या होगा दोस्तों, गेम की परफॉर्मेंस थोड़ी दोस्तों इंक्रीज़ हो जाएगी दोस्तों, वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो सर ये जो थी हमारी टिप 4th एंड लास्ट टिप आप कह सकते हो। सर कैसी लगी आपको मेरी वीडियो दोस्तों, मेरे को कमेंट बताना। और सर मेरे को बताना कि दोस्तों आपने जो भी टिप्स ली दोस्तों सब वर्क करी या फिर नहीं, उसको कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। तो सर यही थी आज का वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।